हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे जाके आप लोग लगेगा कि हम लोग अपने पुराने टाइम में वापस आ चुके हैं। और दिल्ली में रहकर अगर आप लोग यहाँ पे नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाइएगा और अपने बच्चों को भी लेके ज़रूर जाइएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती नेगी और ये है मेरा छोटा सा बेबी वैदिक और ये है मेरी मम्मी। तो आज था संडे, तो दीदी ने कहा और मेरी बहन ने कहा आज हमारी छुट्टी है तो चलो आज बच्चों को हम घुमा के लेके आते हैं। तो फिर हम लोग रेडी सेडी होके चल दिए अपनी सफ़र की ओर। घर से हम आए थे ऑटो से, उसके बाद हमने पकड़ी मेट्रो और मेट्रो से सीधा चल दिए अपनी सफ़र की ओर। मेट्रो हमें चेंज करनी थी, वहाँ पे हमें बहुत तेज़ की भूख लग गई थी तो वहीं अंदर से हमने कुछ खाने का सामान भी ले लिया था। हम लोग हैं रजौरी गार्डन में, तो यहीं से हमने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और चल दिए। हमें जाना था मोती बाग मेट्रो स्टेशन तक। और ये देखो, हम रास्ते में आप क्या आप लोग भी ऐसे हरकतें करते हो जैसे हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे अक्षित को प्यास लग गई थी और हम सबको प्यास लग गई थी तो हम इस तरह से इसको पानी पिला रहे थे। और मेरी हरकतें देखो, मैंने अक्षित को आ करके पी, मैं तेरे को ऐसे में पिलाती हूँ। और सैंडविच वगैरह खा के फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे अपनी लोकेशन पे। और उतरते ही हमने सबसे पहले यहाँ पे पिया जूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। पानी भी पी रहे थे लेकिन फिर भी होता है ना, गर्मी का टाइम है तो कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा था। तो हमने कहा चलो उतरते ही पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और आप देख ही चुके हो कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं नेशनल रेल म्यूजियम, जो कि चाणक्यपुरी में स्थित है। और यहाँ पे पहुँचते ही देखा तो एंट्री में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मिल रहे थे हमको टिकट। तो टिकट जो थी ऑनलाइन भी अवेलेबल थी और ऑफलाइन भी अवेलेबल थी। और यहाँ पे एंट्री गेट से ही आपको एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर जो कुछ भी है वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एंट्री करते ही यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा तिरंगा। तिरंगे के सामने हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करी, फिर हम लोग चले गए म्यूज़ियम के अंदर। तो यहाँ पे ना आप लोगों को बहुत पुरानी पुरानी ट्रेनें वगैरह देखने को मिल जाएगी, उसी के छोटे छोटे साइज़ के इन्होंने यहाँ पे सैंपल रखे हुए हैं। और जैसे हम ना थोड़ी बहुत हमने वीडियो शूट करी थी, फिर उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैम आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो बट आप लोग ना वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मैंने अंदर वीडियो शूट नहीं करी, आप देख ही सकते हो थोड़ी बहुत ही करी है। और अक्षित और मेरे वैदिक यहाँ पर खूब सारा इन्जॉय कर रहे थे। और आप लोग अगर दिल्ली में रहते हो ना तो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा था, खूब इन्जॉय किया बच्चों ने भी और हम लोगों ने भी। और ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने पुराने टाइम में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो मोतीबाग मेट्रो स्टेशन में आना होगा और वहाँ से चाणक्यपुरी के लिए आप लोगों को ई रिक्शा या ऑटो वगैरह कुछ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना 140 ईयर के हिस्ट्री में हमारी जितनी भी ट्रेनें थी उन सभी को यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है और ऐसे ही छोटे छोटे सैंपल यहाँ पे रखे गए हैं। तो उसके बाद हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए थे और यहाँ पे भी आपको रियल वाली ट्रेनें भी देखने को मिल जाएगी, जो ट्रेनों के बॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो उन्हीं को यहाँ पे कुछ इस तरह से डेकोरेट करके इन्होंने रखा हुआ है एक सैंपल के तौर पे। और यहाँ पे ना सब लोग अपनी फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे और ये लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट कर रहे थे। इसी बीच में वैदिक को भूख लग गई थी, मैं उसको थोड़ा सा फीड वगैरह कराने के लिए ले गई थी और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए। उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ पे ट्रेन में बैठने के लिए, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे गए तो ये वाली ट्रेन निकल चुकी थी। फिर तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन मिलते, एक जो जॉय वाली ट्रेन और एक टॉय वाली। तो हम लोग बैठे थे जॉय वाली ट्रेन में। तो टॉय वाली जो ट्रेन थी वो बच्चों के लिए होती है स्पेशली, बट वो आज थी नहीं और तो हम लोग जॉय वाले में ही बैठ गए थे। और उसके बाद यहाँ पे ना वैदिक को गोदी में लिया और यहाँ पे एक छोटी बच्ची थी वो चिप्स वगैरह खा रही थी, तो वैदिक ने उससे मांगने लग गया, रोने लग गया था। तो उस बच्चे ने एक छोटा सा चिप्स उसको पकड़ा दिया। चिप्स को खाते खाते और इन्जॉय करते करते हम तो चले अपने शहर में छुक छुक गाड़ी में। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह ऐसे क्लिक कर रही थी, थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, थोड़ा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने, हमको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है यार ये देखो। और मेरे वैदिक को तो यहाँ पे नींद ही आने लगी, तो मैंने कहा बेबी क्या ही फ़ायदा, पूरे दिन से उठा था और जैसे ही ट्रेन में बैठे वो सो गया। और फिर हम लोगों ने उतर के ये देखो मेरी हालत, तो वैदिक तो मेरी गोदी में ही सो गया। उसके बाद उसको सोते सोते ऐसे घुमाया, उसके बाद मैं यहाँ पे आके देखा, मैंने कहा यार ये ट्रेन के अंदर बकरियाँ, मुझे लगा पहले रियल की बकरियाँ है, फिर देखा तो अरे यार ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल से ही है, सैंपल रखा हुआ है उन्होंने। उसके बाद फिर से आए हम लोग दूसरी साइड में, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह शूट करी। और ये देखो वैदिक की भी मैंने यहाँ पर खूब सारी फ़ोटो क्लिक करी, वीडियोज़ वगैरह बनाई, आँचल ने भी खूब रील्स वगैरह बनाए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने घर के। और आते आते यहाँ पे वैदिक उठ गया था तो वो इन्जॉय करने लग गया था, फिर लग गई थी हमको खूब सारी भूख, फिर हमने खाया पिज़्ज़ा मोमोज, फिर आ गए।